एकल अभियान के तहत गौ ग्राम कुंभ का धनबाद में आयोजन आगामी 23, 24 और 25 दिसंबर को न्यू टाउन हॉल में होने जा रहा है। गौ हत्या रोकने और बूढ़ी गायों की घर वापसी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। पहले दिन देश विदेश से आने वाले गौ सेवकों को 4 जिले के 100 ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास कराया जाएगा। शाम को टाउन हॉल में देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होगा। आने वाले लोगों का धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और बोकारो में प्रवास होगा। कार्यक्रम में इसरो के मुख्य वैज्ञानिक और आरएसएस के वरीय पदाधिकारियों के अलावा देश विदेशों से लगभग 2,000 लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एकल अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केदारनाथ मित्तल ने बताया कि वैसी गायों जो बूढ़ी हो चुकी है उन्हें तस्करों से बचाकर और गौशाला से निकाल कर गाँव में किसानों को गाय दे दी जाएगी, जो उनके गोबर और गोमूत्र से लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद और जैविक खाद का बाजार बहुत ज्यादा है। यूरिया कंपनियों की माफियागिरी को खत्म करके जैविक कृषि और उत्पाद का एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान को इस कार्यक्रम के माध्यम से गति दी जाएगी। सुदूर इलाकों में जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जिनके पास कोई सुविधा की नहीं पहुंचती थी, वही का अभियान आज से 35 साल पहले वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वावलंबन की शिक्षा, धर्म आधारित शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि जो भी बच्चा तैयार हो वो चरित्रवान बने, तो ये चल रहा था। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख हम लोगों ने देखा कि गौवें जो लाचारी बस हमारे किसान भाई बेच देते हैं और वो कसाईयों के यहाँ जा रही हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। इसमें विचार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन ये कार्य ऐसा था, इतना जटिल कार्य था, इसके लिए हम लोगों ने पूरा खाका तैयार किया और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कार्यकर्ता तैयार किए और गोपालक तैयार किए। तो उसके बाद हम लोगों ने एक प्रयोग के रूप में झारखंड के कुछ गांवों में और बंगाल के कुछ गांवों में शुरुआत की। तो शुरुआती कुछ कठिनाइयाँ आई थी, धीरे धीरे हमने उसको दूर किया, क्योंकि आर्थिक कठिनाई जो थी, स्टार्टिंग में 2,000 रुपया पर गाय के पीछे हम लोग दे रहे थे किसान भाइयों को, लेकिन लगातार देना संभव नहीं था, इसलिए उसके गोबर गौमूत्र पर आधारित हम लोगों ने कई प्रोडक्ट बनाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था, जो जहरीला अनाज और जहरीला पानी हम पी रहे हैं, हमारा भारतवासी, हमारे जीव बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उसमें प्रमुख कारण 40,000 करोड़ का यूरिया पर एनम भारतवर्ष आता है और सारा पैसा विदेशों में जाता है। तो एक तो 40,000 करोड़ हमारा यूरिया आ रहा है उसको रोकना, और हमारे स्वास्थ्य जो खराब हो रहा है उसमें लाखों करोड़ का जो खर्च हो रहा है। आपको ये ज्ञात होगा, पंजाब हरियाणा की सेहत सबसे अच्छी मानी जाती थी, और आपको जान के अत्यंत दुख होगा कि वहाँ घर घर में आज कैंसर है, और एक दो जगह ऐसी हैं पंजाब में जहाँ से रोज़ाना एक ट्रेन जाती है जिसको कैंसर ट्रेन ही बोला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, यूरिया की देन है, इसमें पेस्टिसाइड खाद की देन है, तो इससे हमको दूरी बनानी थी। और जब ये तब तक नहीं हो सकता था, लोग किसान भाई क्या करते थे, गोबर को सुखाया, गोबर को यूं ही डाल देते थे, उससे खेती नहीं हो पाती थी ढंग की, उसके जगह यूरिया से खेती अच्छी मिलती थी, यील्ड अच्छा मिलता था। तो हम लोगों ने प्रयोग किया जैविक खाद, जिसको केचुआ खाद बोला जाता है, वो केचुआ खाद बनाया गया, उसका प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हुआ, तो जितना यूरिया यूज करके, जितना ये गोबर की खाद यूज करके, जैविक खाद यूज करके हम लोग यील्ड ले रहे हैं, और जो हमारा खर्च आता है, जैविक खाद में खर्च भी कम आता है, यील्ड भी ज़्यादा मिल रही है। तो इसकी जागृति लानी पड़ेगी, जागृति इस तरह के जब तक प्रोग्राम नहीं होंगे तो जागृति नहीं आएगी, ये हमारे बीच में ही बातें रह जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा माध्यम आप हैं, आप किसी भी चीज़ को किस रूप में दिखाते हैं उस पे उससे जनता जानती है। सर, ये बताइए कि गो ग्राम कुंभ में क्या क्या होना है? गो ग्राम कुंभ में 23 तारीख को हमारे जो कार्यकर्ता आने हैं, जो दानवीर आने हैं हमारे, जो एकल अभियान से जुड़े हुए हैं, सभी चैप्टरों से, विदेशों से भी लोग आएंगे, तो इसमें 23 तारीख को जब आएंगे यहाँ पे, उनको बसों के द्वारा हम लोग ग्रामीण इलाकों में ले जाएंगे जहाँ हमने गाय दी हुई है। तो वो दानवीर है, गाय देते हैं, पैसा देते हैं उसकी रक्षा के लिए, वो देख रहे हैं कि हम जो पैसा ले रहे हैं सही उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो किसानों से रूबरू होंगे,
उनकी बातें जानेंगे कि आप गाय लेकर कितने संतुष्ट हैं और आपको कैसा लग रहा है, आपको कितनी आमदनी हो रही है। तो ये देखने के बाद एक अच्छा मैसेज जाएगा तो इससे वो लोग जुड़ेंगे, ये पर्पस है। फिर 23 को वापस आएंगे तो आएंगे फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। 24 को कुछ कुछ अनुभव सत्र चलते रहेंगे और 12 बजे से 2 बजे के बीच में करीब करीब हमारी पब्लिक मीटिंग होगी, जिसमें जो हमारे प्रमुख लोग जो आएंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर सुब्बा राव ये साइंटिस्ट इसरो हैं और श्री अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, श्री रामदत्त चक्रधर अखिल भारतीय सहसरकारवा और श्री शंकरलाल जी अखिल भारतीय गोग्राम योजना के प्रमुख और श्री आलोक कुमार अखिल भारतीय सह प्रमुख RSS और श्री प्रकाश राव जी अखिल भारतीय अधिकारी। मोहन भागवत जी आएंगे? नहीं, उनका कंसेंट उनका कहीं प्रोग्राम पहले से फिक्स था। एक दो ऐसे लोग हैं जिनका हमें बाद में बताएंगे हम लोग, क्योंकि पूर्णतः उनका कंफर्मेशन नहीं आया, कंफर्मेशन बहुत हद तक हो चुका, पूर्णतः नहीं हुआ है। जब आया उनका नाम भी हम लोग बताएंगे। और बताइए, और 25 को हमारा समापन सत्र है। समापन सत्र में हाँ, कुछ अनुभव कथन चले, कुछ लोगों को सम्मानित करेंगे जो गोग्राम सेवा से एकल से जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं रात दिन, जो हमारे सेवावर्ती लगे हैं उनका हम लोग सम्मान करेंगे, दानवीरों का सम्मान करेंगे। ये प्रोग्राम है।